बिसम राह रहीम तो वी आर डूइंग क्वांटिटेटिव मेथड्स यानी क्वांटिटेटिव टर्म्स जो हमारी इम्प्लिकेशन है इस पर हमारे स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट आज हम एक थोड़ा सा नया टॉपिक करने लगे हैं मे बी यू हैव नॉट कम अक्रॉस डेट या इसकी शायद इतनी डेप्थ ना देखी हो और प्लस इट्स अ गुड लर्निंग और प्लस ये आप इसको अपनी रिसर्च में अपनी डिस्कशन में मेक श्योर इट्स अ पार्ट ऑफ योर कन्वर्सेशन इसकी थोड़ी सी पहले मैं बैकग्राउंड बना दूँ हमें बेसिकली रिस्क होता है अबाउट अनसर्टेनिटी डिफरेंट थिंग्स कुड हैपन सपोज यू आर फोरकास्टिंग फॉर योर नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल आप अपना प्लान कर रहे हैं तो आपको पता है कि शायद सेल्स में कुछ चेंज आ सकती है कॉस्टिंग में चीज़ें आपकी प्राइस आप हो सकती है हो सकता है आपको सप्लाई साइड में कोई रिस्क आ जाए तो दे आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिस्क जिसको आप चेंज करके ऑप्शनस के थ्रू देखते हैं बट देर इज़ ए लिमिटेशन आप कितनी चेंजेस कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप बजट बना रहे हैं उसमें आप कितनी चेंजेस कर सकते हैं तो द इज़ अ मैनुअल लिमिटेशन वॉट कैन इंडिविजुअल डू या आप सैनैरियोज बना सकते हैं ए गुड बैड वेरी गुड एक्सट्रीम बट देर विल भी अगेन अ लिमिटेड नंबर विच यू कैन डू बट वेन वी हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड वी टॉकिंग अबाउट यूज पोर्टफोलियोज दीज रैंडम वेरिएबल्स कुड भी वेरी हाई और प्लस उनकी जो चेंज है कुड भी अनॉमस तो इन दैट सर्कमस्टांसिस वी नीड समेटेड सिस्टम हमें कंप्यूटर एडिड चीजें चाहिए होंगी जो कि हमें हेल्प आउट करेंगी तो इन रिस्क मैनेजमेंट द कंप्यूटर एडिड टूल विच इज मोस्ट फ्रीकवेंटली यूज एज कार्लो स्म्यूलेशन ये किसी मूवी का नाम नहीं है ये एक टेक्निक है एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू वर्क इट आउट कार्लो सिम्यूलेशन आई यूज टू मॉडल द प्रोबिलिटी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स इन अ प्रोसेस के एक प्रोसेस में पाथ में कहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इट कैन नॉट इजिल प्रडिक्टेड ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हैं उनका आपस में लिंक भी है डिफरेंट पाथ्स हैं इट्स नॉट वेरी इजिली टू बी डन मैनुअली इट्स अ टेक्नीक यूज टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द प्रोडिक्शन ऑन फोरकास्टिंग मॉडल हम नेक्स्ट जिस तरह बजट की फोरकास्टिंग स्टॉक्स की फोरकास्टिंग उसमें ये एक्सटेंसिवली यूज हो रहे होते हैं कैन बी यूज टू टैकल रेंज ऑफ प्रॉब्लम इन विचुअली एवरी फील्ड ये भी मैंने तो बाद मैंने सिर्फ आपको फाइनेंस की इट्स नॉट जस्ट फाइनेंस इंजीनियरिंग में सप्लाई चेन में अदर साइंसिस में तो इसकी एक वास्ट लेवल की एप्लीकेशन है और बहुत हाई लेवल का यूजेज इसका एग्जिस्ट करता है मॉन्टिकल सिमुलेशन इज ऑल्सो रेफर टू एज मल्टीपल प्रोबिलिटी सिमुलेशन सिमुलेशन मीन डिफरेंट और अब इस पर मल्टीपल टास्क जब लेते हैं तो देन दैट इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट

रिजल्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉसिबल आउटकम अब जैसे अब ये हमें एक आउटपुट मिली के जी चांस ऑफ इन्फ्लेशन गोइंग अप इज लेट सेवन परसेंट तो उससे पहले जो उसका डाटा हमने डाला हुआ है जो सिमुलेशन का आपका टूल है जो कार्लो ये किस्कुम का एक सॉफ्टवेयर भी आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर की भी फॉर्म में आ सकता है तो उससे पहले ये थाउजेंड्स ऑफ रन करेगा मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल कॉम्बिनेशन परमिटेशन लिंक्स बना के और उसके बाद हमें ये एक आउटपुट जनरेट करेगा जिस तरह हम जो मैनअली हम अगर जब करते थे तो वो पॉसिबल हमारे लिए नहीं था ये सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर एडिट टूल से उसने हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम रन किया और फिर उसका इम्पैक्ट लेके हमें समराइज़ करके दिया तो ये हमें एक जो बहुत लंबा काम अगर हम ख़ुद करने बैठते तो इट डूज इन फॉर्म्स ऑफ जस्ट फ्यू क्लिक्स इन दिस वे बॉन्डिकार्लो प्रोवाइड मच मोर कॉम्प्रीहसिट मे हैपन तो हमें यह फ्यूचर प्रोडिक्शन में फोरकास्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है इट टेल्स यू नॉट ओनली वट कुड हैपन बट हाउ लाइकली इट इज टू हैपन कि क्या हो सकता है ये भी तो बताता ही है बट ये भी बता सकता है कि उसके चांसिस कितने हैं वट आर द पॉसिबिलिटीज तो इसकी एक बहुत श्वेर जो है इम्प्लीकेशन है हमारे फाइनेंस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और अभी हमने जैसे पहले बात की है अदर सेक्टर्स में भी इसकी यूजेज है नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर डिटर्मिस्टिक और सिंगल पॉइंट जो हम इंडिविजुअल एस्टिमेट करते थे उससे इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं डेफिनेटली so वहां पर आपके लिमिटेड नंबर के आप ऑप्शन देख सकते थे यहां पर आप यूज नंबर के साथ खेल रहे हैं प्रोबलिस्टिक रिजल्ट रिजल्ट शो नॉट ओनली कुड हैपन बट हाउ लाइकली ज आउटकम इज और इसको फिर आप ग्राफिकली भी बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट कर सकते हैं तो आपको पता है सारी इंफॉर्मेशन इज मैंट फॉर डिसीजन मेकिंग आपने कुछ वर्किंग की भी हुई है तो आप इससे जो स्मुलेशन के रिजल्ट आएंगे यू कैन विजुलाइज दैम बड़े अच्छे ग्राफ टेबल्स की फॉर्म में चार्ट तो की फॉर्म में आप इसको रिजल्ट को शो कर सकते हैं टू विच मेक यू और वर्क मोर इम्प्रेसिव एंड ईजी टू अंडरस्टैंड सेंसिटिविटी एनालिसिस एक हमारा टूल होता है जिसमें हम क्या करते हैं एक फैक्टर की चीज़ चेंज करके देखते हैं जैसे हम बजट की जब बात कर रहे थे हम कह रहे थे बाकी सारी चीज़ें सेम रहें ब्लैट से सिर्फ सेल्स चेंज हो जाए तो हमारे पे क्या इम्पैक्ट आएगा तो इसी तरह आप डिफरेंट चीज़ों की सेंसिटिविटी को करके देखते हैं तो वो अच्छा एक टूल है यूजफुल भी है लेकिन कितनी सेंसिटिविटीज कर सकेंगे लिमिटेशन है मॉन्टी कार्लो ने इसको बड़ा अच्छा एड्रेस कर लिया हुआ है दूसरा हमारा जो पात है ये जो मैंने शुरू में बात की थी स्नैरियो एनालिसिस के आप स्नैरियोज बना लेते हैं इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मॉडल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज फॉर डिफरेंट इनपुट्स टू सी अब हम सैनैरियोज में कुछ बात तो कर सकते हैं दो तीन पाँच सिनैरियो में लेकिन जब आपके मल्टीपल इनपुट्स हैं और उनके मल्टीपल इम्पैक्ट हैं इन दैट सर्कमस्टांसिस ये इतना अच्छा उसको कैप्चर नहीं करा तो दीज आर स्टिल बींग यूज टूल्स बट मोन्टिकोरलो इज अपीरियर वन विच हैजूज कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज और ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है को रिलेशन ऑफ इनपुट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपस में लिंकेजेस भी हैं इंटरडिपेंडेंस भी हैं इन मॉन्टिकॉल इट इज़ पॉसिबल टू मॉडल इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट वेरिएबल्स एक का दूसरे से क्या लिंक है फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन होती है तो इंटरेस्ट रेट पे इंपैक्ट आ जाता है तो वी आर हैविंग बोथ इन आर मॉडल तो वो ये दोनों को कैप्चर अच्छे से कर लेगा वरना मैनवली आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी फिर इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सी टू रिप्रेजेंट हाउ इन रियलिटी सम फैक्टर गोज अप अदर गोज डाउन कुछ में ये भी होता है कि रिवर्स रिलेशनशिप भी है तो ये उनको अच्छा कैप्चर कर तो मोन्टिकार्लो इज अ वेरी वैल्यूड टूल वी नीड टू एवर थॉर ओ लर्निंग ऑन इट थैंक यू